जो भी लोग टिकटॉक वीडियोस बनाते हैं तो आप बनाओ यार, कुछ नहीं होता, वायलेशन है, कम्युनिटी गाइडलाइन है, कुछ भी नहीं है। असल में ये ट्रैफिक तो खत्म हो चुकी है, अभी जा रहे हैं नीचे थोड़ा सा घूमेंगे फिरेंगे। आज वहाँ भी नहीं आया, हैदर भी नहीं आया और फरहान भी नहीं आया। जब ईद के बाद हम वापस आएंगे ना तो हमारे डायरेक्ट एग्जाम होंगे, तो यार क्लासेस तो खत्म हो चुके हैं। यहाँ पर थोड़ी देर मतलब के बैठेंगे 12 बजे तक, क्योंकि थोड़ा सा मतलब के शुगर लगाना तो बनता है ना, वैसे भी 2-3 दिन रहते हैं। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? और क्या लग रहे हैं, मतलब कितने प्यारे सर, मैचिंग है नहीं? सब कुछ मैचिंग है। शाहजी आज शाहजी आज सही तजलील हुए हैं या जलील से क्या कहते हैं जी? शाहजी को सही मैम ने पहला है आज, उन्होंने कहा कि बंदे एक तो ये अपना माइंड मैप बना के नहीं लाए, मुझे किधर लगाया भाई मारूंगा, अपना माइंड मैप भी नहीं बना के लाए शाहजी। ऊपर से बदर का फोटो कॉपी करा दिया, लिखने की जहमत दे रहे हैं, लिखा भी नहीं है, ऊपर से ऊपर अपना नाम भी नहीं लिखा, इतनी जहमत। ये गलत बात है शाहजी, चौधरी ने चौधरी साहब की तो हाँ जी, चौधरी शानी का भी यही हाल था, मतलब की चौधरी शानी को भी सही मतलब की मैम ने पता क्या किया था, वही कॉपी किया था लेकिन लिख लिया था तो वो थोड़ा सा बच गया था। हाँ ये भी बच गया था। ओहो मीरो भी माशाल्लाह से आज आ गई है 2-3 दिनों के बाद। कल किधर थी मीरो तुम? बीमार थी, कुछ भी नहीं था, वैसे ही नीयत खराब थी, क्योंकि सुबह उठने ही नहीं होता मेन चीज जो है। तो मेरे ख्याल से फरहान लोग भी इसी से नहीं आए हैं, तो जरा ऐसा ऐसा से ना मतलब को यूनिवर्सिटी में वहाँ बहुत कम होना शुरू हो गई है, बहुत सारे लोग मतलब को यूनिवर्सिटी से जा रहे हैं जो दूर रहते थे, क्योंकि ईद वहाँ पे करनी होती है तो 5-6 रोजे रह गए हैं, तो ज़्यादातर वहाँ निकल गया, जो यहाँ के वहीं आते हैं और वो भी बहुत कम आते हैं हमें डालकर, मतलब कि हम भी 2-3 दिन ही लगाते हैं पूरे हफ्ते में, तो ये लास्ट हफ्ता है बस ये लगा लेते हैं एक बार। अभी शाहजी जा चुके हैं क्योंकि उन्हें थोड़ा सा काम था और उनका घर बहुत ज़्यादा दूर होता है जिसकी वजह से वो अक्सर जल्दी चले जाते हैं। तो जवाब साहब कॉल पर लगे हैं और चौधरी साहब वहाँ पर लगे हैं, चौधरी साहब वहाँ पे पता नहीं कौन सी पर्सन मीटिंग कर रहे हैं लेकिन वहाँ पे हैं। तो आज मतलब कि बड़ा बैड दिन है, यहाँ पर आराम फरमा रहे हैं सारे, क्योंकि यहाँ पर अभी करने के लिए कुछ इतना खास है नहीं, तो आराम ही फरमाएंगे थोड़ी देर, यहाँ पर अभी रुके हैं फिर उसके बाद निकलेंगे घर की तरफ, तो बाकी कंटिन्यू करेंगे घर की तरफ वीडियो, बस यहाँ पर अभी कुछ इतना दिखाने वाला है नहीं। तो यार ऐसा ना अभी नमाज पढ़ ली है, मतलब कि गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि खड़े भी नहीं होने हो रहा, अराउंड अबाउट होगी आज 40 सेंटीग्रेड, 40 सेंटीग्रेड ना हुई ना तो 38 तो कन्फर्म है। अभी ऐसा है ना आज दिन को ना मेरा टिकटॉक अकाउंट जो था ना वो बैन हो चुका है, जो लोग मुझे टिकटॉक से फॉलो करते हुए यूट्यूब पर आए हैं उन्हें पता होगा मेरा टिकटॉक अकाउंट था जो कि बड़ा बेहतरीन चल रहा था, 13,000 फॉलोअर थे अराउंड अबाउट, तो अब मतलब कि वो टोटली बैन हो चुका है, नया अकाउंट बना लिया है, बस देखें अब क्या होता है, बाकी डिटेल में घर जाकर बात करते हैं। तो यार अभी मैं घर पहुँच चुका हूँ, सही है, तो सबसे पहले क्या करना है आपको पता है, बैग उतारेंगे और इस चश्मे को इधर ही डाल देंगे ताकि कल पहन कर जाना है और ज़रूरत पड़ेगा कल भी योगा। और अब बारी है हमारे शहजादे की, भाई राजा ये हो गया, ठीक हो गया। ओह माय गॉड, किधर छुपे हो, इधर सामने हो, ये भी हो गया जी उस्ताद, ये उस्ताद, ये दोनों हो गया, सही है। तो अब ये डोर खोलते हैं, मज़ा आते सारी नहीं ये काम करता हूँ, इससे फ़ायदा ये होता है कि मेरा काम जल्दी हो जाता है। तो अब क्या करना है, ये डोर क्लोज़ करेंगे क्योंकि ये डोर क्लोज़ ना किया तो मज़ा नहीं रहता, पीली शर्ट आई फिर पहनेंगे। तो यार ऐसे ना 35 दिनों में ना मैंने 13,000 फॉलोवर बनाए जो कि बहुत नामुमकिन सी बात है, ऐसी बात करना बहुत मुश्किल होता है, 35 दिनों में 35 वीडियोस में 13,000 फॉलोवर बनाना, 1,60,000 लाइक्स बनाना बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन भाई ने बनाया, वो करके दिखाया जो की नामुमकिन चीज थी। तो मेरी 6-7 वीडियो पे ना कम्युनिटी गाइडलाइन वायोलेशन लग गई थी, लेकिन मतलब की ये था कि वो सिर्फ वार्न करती होती थी टिकटॉक के तुम ऐसा ना करो, प्रॉब्लम ये थी कि जो कोई भी मेरी टिकटॉक वीडियोस देखता था ना वो करते क्या थे, रिपोर्ट मारते थे, वो मुझे पता था, वो मतलब की ईमेल आती थी कि रिपोर्ट मार रहे हैं, कितनी मारेंगे और इससे क्या फर्क पड़ेगा, मुझे नहीं था पता, जब यहाँ पे आके लगी ना फिर पता चला। कल रात को हुआ ऐसा, जब मैं वीडियो अपलोड करने लगा ना, मेरा मामूल यही होता है कि अफ्तार के बाद मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, जब वीडियो अपलोड करने लगा तो वीडियो अपलोड नहीं हो रही थी, वहाँ पर लिखा गया कि टेम्परेरी आपका अकाउंट मतलब कि बैन है, अभी वीडियो अपलोड नहीं कर सकते। सुबह फिर यही काम हुआ, अपलोड नहीं हुई। यूनिवर्सिटी में 2 क्लासें जब मैं ले चुका ना, वहाँ पे लिखा गया कि आपका जो अकाउंट है ना वो बैन हो चुका है, यूं ही मैं बाहर आया दोबारा फिर लॉग इन किया तो भाई जी उड़ गया अकाउंट ही, उड़ गया, मतलब कि इतना दुख हुआ ना सही मैं कह रहा हूँ, इतनी मेहनत करके मैं यहाँ तक आया था। मैं नहीं कहूंगा कि मेरे 35 दिनों की मेहनत है, मेरे 3 सालों की मेहनत है, अभी अपने आप को यही कहूंगा, बेस्ट ऑफ लक, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, फिर से एक बार फिर से बिल्डिंग खड़ी करेंगे इंशाल्लाह, कोई बात नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, हमेशा से कई चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं यही कहूंगा जो भी लोग टिकटॉक वीडियोस बनाते हैं तो आप बनाओ यार, कुछ नहीं होता, आप जितनी मर्जी स्ट्राइक पड़ती है, जो भी कुछ होता है, वायलेशन है, कम्युनिटी गाइडलाइन है, कुछ भी नहीं है, आप बनाओ, कितनी बार हमें मायूस करेगी टिकटॉक या कोई भी और प्लेटफॉर्म, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपका भाई बनाता रहेगा, चिल करो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है,
अल्लाह हाफिज़।